अयोध्या न्याय यात्रा अपना आप में एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि जो हालात देश में बन चुके हैं, न्याय मिलने तक यात्रा रहे हर गांव में, हर घर में, हर प्रदेश में, ये माहौल बनना चाहिए। चाहे यात्रा किसी भी रूप में हो, पर यात्रा का मतलब लोगों की भावनाएं पब्लिक में आती रहनी चाहिए। किस प्रकार से अन्याय होते हैं, अत्याचार होते हैं, उत्पीड़न होते हैं, साथ में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, महिलाओं का अत्याचार है। राहुल गांधी जी प्यार मोहब्बत भाईचारे की बात करते हैं, चाहते हैं गरीब अमीर के बीच खाई नहीं बढ़े, बड़ा मुद्दा वो भी है। ये तमाम मुद्दे चुनौतियों के रूप में हमारे सामने है। पूरे देशवासियों की ड्यूटी है कि जो सही है उसको सही कहें और सच्चाई को सामने रख करके आगे आए, तब जाके देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा। आज लोकतंत्र के सामने खतरे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, एक चिंता का विषय होना चाहिए सबके लिए। मेरा मानना है कि राहुल जी के नेतृत्व में जो ये 12 जोड़ो न्याय यात्रा प्रारंभ हो रही 14 तारीख से मणिपुर, मणिपुर के हालात पिछले लगभग एक वर्ष हो गया क्या हो रहे हैं वो सबके सामने है। भारत सरकार ने जो रवैया अपनाया, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने व्यवहार किया वहाँ के लोगों के साथ में, वो बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि अन्याय है। एक जो आग लगी हुई हो, बलात्कार हो रहे हो, उत्पीड़न हो रहे हों, आगजनी हो रही हो, वहाँ पे प्रयास करना आवश्यक होता है सरकार द्वारा। वहाँ के मुख्यमंत्री स्वयं बेबस हो गए, उन्होंने खुद ने कहा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, यहाँ तो सैकड़ों बलात्कार हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, हमले हो रहे हैं, तब भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बात का अफसोस पूरे देश को है। ये एक ऐसा अवसर है जो मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि राहुल गांधी की यात्रा बहुत कामयाब रहे, सफल रहे, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। भारत जोड़ो न्याय यात्रा।